हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बनाने में बिल्कुल ही आसान है और पूरा होने के बाद बहुत ही प्यारे डिज़ाइन लगती है। हम ये डिज़ाइन बनाने के लिए 3 कलर यूज़ कर रहे हैं और ये 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ मैं। तो आप ये डिज़ाइन बनाने के लिए 2 की जोर से आप फंदे डाल सकते हो। इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से 2 की जोर से आप फंदे को बढ़ा सकते हो। मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 फंदों में आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। बनाने का तरीका यही रहेगा, सिर्फ आप 2 की जोर से फंदे डाल के बड़ा बना सकते हो। तो मान लो कि मैंने ये पहले ही रो से, मैं यहाँ से बताती हूँ किस तरह से मैंने स्टार्ट किया है। तो मान लो कि आप ये मैंने 14 फंदे डाले हैं और पहले ही सिलाई से हम डिज़ाइन को डालना शुरू करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, फ्रेंड्स मेरी वीडियो पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम डिज़ाइन को डालना शुरू करते हैं। हम पहले ही रो से ऐसे सिलाई पे एक फंदा बढ़ा लेंगे और पूरी सिलाई हम बनाएंगे। जिस तरह से हम बनाते हैं उसी हिसाब से हम इससे बना लेंगे। आप चाहो तो पुरानी साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो, और टेबल मेट की जगह यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह से उनसे भी बना सकते हो। आप ये डिज़ाइन ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत बिल्कुल ही आसान है बनाना इसे। और लास्ट में 2 फंदे में छोड़ लेती हूँ और यहीं से हम वापस हो जाएंगे और पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई है। हमें हर बार ऐसे ही एक फंदे को बढ़ाना है इस तरह से, और लास्ट में हम 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। हर बार हमें ऐसे ही बनाना है। आगे से हमें एक फंदे को बढ़ाना है और नीचे की साइड से 2-2 फंदे छोड़ते जाना है। ये 2 फंदे मैंने फिर से छोड़ दिए और यहीं से वापस हो गए और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसी तरह 2 बार में फिर से 2-2 फंदे छोड़ लेती हूँ और 2 फंदे आगे एक एक करते हुए बढ़ा लेती हूँ। इतना बना के मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लास्ट वाला मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम ये 4th बार का फंदा बढ़ाएंगे
और ये चौथी बार का मैं फंदा छोड़ रही हूँ। और अब ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे जितने भी फंदे होंगे दोनों साइड से हमें बराबर के फंदे छोड़ने हैं। जैसे मैं चार यहाँ छोड़ रही हूँ तो यहाँ चार दो दो करते हुए छोड़ूंगी। और ये जब हम ये करेंगे तब हम यहाँ पीछे से की साइड से हम दूसरे कलर को ऐड करके फिर आगे के फंदे हम बनाएंगे इस तरह से। यहाँ हमारा कलर चेंज हो गया। अब जितने भी फंदे बनाओ नीचे की साइड और ऊपर की साइड हमें सेम ही फंदे छोड़ने होते हैं। इस तरह से हमारे फंदे चेंज हो जाएंगे। यहाँ हमें एक दो तीन और चार बार फंदे छोड़े हैं, उसी तरह हम यहाँ एक दो तीन और चार चार बार फंदे छोड़ेंगे और यहाँ से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, हमें हर बार ऐसे ही फंदे को बढ़ाना है। ये देखिए इस कलर के फंदे को मैं दो छोड़ लेती हूँ और यहीं से वापस हो जाऊँगी और आगे के फंदे में ऐसे ही बना लेंगी। ये देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। और फिर से हम एक फंदे फिर से बढ़ाएंगे और फिर से दो फंदे छोड़ देंगे नीचे की साइड से। ये देखिए दो फंदे फिर से छोड़ लिया और यहीं से वापस हो गए। इसी तरह हम चार फंदे नीचे छोड़े थे वैसे ही हम चार फंदे इस कलर से भी हम छोड़ देंगे दो दो करते हुए। बस इसमें सिर्फ आगे फंदे को बढ़ाते जाना है और दो दो फंदे नीचे की साइड से छोड़ते जाना है हमें। एक दो तीन और चार फिर से दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस हो गए। हमारे कितने फंदे छूटे? एक दो तीन बार छूट गए हैं। अब एक बार और छोड़ लेंगे इस तरह से और ये दो और ये तीन तीन फंदे बनाए, दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस हो गए। यहाँ हमारी देखिए ये हमारी आधी कली पूरी हो गई है। अब जैसे हमने फंदे छोड़े हैं उसी तरह हम फंदे को घटाएंगे और दो दो फंदे को नीचे की साइड से लेते जाएंगे जो हर बार हम करते हैं। इस तरह से ये दो का एक करेंगे, ये पहला फंदा हमारा कम हो गया। हमें हर बार इसी तरह फंदे को कम करना है। एक और ये दो और आगे से दो फंदे हम बना लेंगे।
और यहीं से वापस हो जाएंगे धागे से, ये फंदे पीछे की साइड से हम बना लेंगे। इसी तरह हम तीन फंदे कम कर लेंगे और यहाँ तक मैं बना लेती हूँ इस कलर के, फिर आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ फंदे कम करके यहाँ तक दूसरे कलर तक मैंने बना लिया है और यहीं से वापस हो जाना है। फिर यहाँ से हम कलर को चेंज कर लेंगे, जो हमारा पहला कलर था उसी से हम आगे के फंदे बनाएंगे। और यहीं से कम करते जाएंगे दो फंदे और दो सॉरी ये यहाँ से एक एक फंदे को कम करेंगे और ये दो दो फंदे बनाते जाएंगे, एक एक फंदे को कम करके नीचे की साइड से दो दो फंदे हम बनाते जाएंगे। हर बार एक फंदे हम कम करेंगे आगे से और नीचे की साइड से दो दो फंदे हर रो में लेते जाएंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको आगे का दिखाती हूँ। देखिए यहाँ देखिए मैंने सारे फंदे बना लिए हैं। अब यहीं पीछे की साइड से हम कलर को चेंज करेंगे, अगर आप दूसरा कलर लेना चाहते हो तो और इसी कलर से बनाना चाहते हो तो इसी तरह आप उस कलर से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से हम दूसरी कलर की शुरुआत और कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी दूसरी कलर की चेंज हो गई और ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनेगा, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे डिज़ाइन लग रही है। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे और डोरमेट को ख़त्म करेंगे और इसी मेथड से हम दूसरी डिज़ाइन भी बना सकते हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम दूसरी डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने इसमें येलो कलर की जगह यहाँ पैरोट कलर लगाया है और ये स्काई ब्लू की जगह ये ग्रीन वाला जहाँ ब्लू दिख रहा है अभी, बट ये रामा कलर है। और यहाँ जैसे मैंने पीछे की साइड आपको बताया था यहाँ से उसी तरह हम यहाँ से कलर को चेंज करके इस तरह से अलग पत्ती बना सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, इसी मेथड से बनेगी। तो आप इसी तरह बना सकते हो। अगर आप चाहते हो तो यहाँ ग्रीन की जगह से ये ऑरेंज लगा के ये वाली भी पूरी एक कलर से बना सकते हो। तो एक ही डिज़ाइन की मेथड से तीन तरह की डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।